See, this is the part 2, kids. Okay, this is the part 2 of chapter number 2, printer. हमने previous video में MU पूरा complete किया था. Now it is up to printer. A printer is an output device. Printer एक output device होती है. We use it to take printouts of our work on paper. हमारा जो work हमने computer पे करा है वो paper पे as a printout निकल कर आएगा through printer. मॉडम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को जोड़ने में इंटरनेट के थ्रू और इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए टेलीफोन लाइंस के थ्रू मॉडम काम में आता है. दिस इज द मॉडम. CD-ROM क्या होता है? CD-ROM का मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी. कॉम्पैक्ट डिस्क CD होती है ना, दिस इज द CD रीड ओनली मेमोरी. इसमें क्या है, ये स्टोरेज डिवाइस होती है कंप्यूटर में और इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर से बाहर भी रख सकते हैं. इट इज द सेकेंडरी मेमोरी यूनिट. ओके, वी कैन स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन इन वन CD-ROM. हम बहुत ज्यादा CD-ROM में हम बहुत ज्यादा अमाउंट इंफॉर्मेशन के अमाउंट को रख सकते हैं, लार्ज अमाउंट रख सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं, सेव करके रख सकते हैं. नाउ द क्वेश्चन इज, कैन वी टच अ सॉफ्टवेयर? नो, वी कैन नॉट टच एनी सॉफ्टवेयर, वेदर इट इज ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, वेदर इट इज ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर. नो मोर, मैं पेन ड्राइव इज अ कॉमन स्टोरेज डिवाइस ऑफ अ कंप्यूटर. पेन ड्राइव एक ऐसा कॉमन स्टोरेज डिवाइस है कंप्यूटर का जिसमें हम CD की तरह डाटा को सेव करके रख सकते हैं अकॉर्डिंग टू इट्स लिमिटेड बाउंडेशन. सॉफ्टवेयर के टाइप में आते हैं. दीज आर द कंप्लीटली हार्डवेयर एंड दिस इज द सॉफ्टवेयर. सॉफ्टवेयर कांट वर्क बाय इटसेल्फ. सॉफ्टवेयर कभी भी अपने तरीके से काम नहीं करता है. इट स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस टू वर्क, और स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन होते हैं इसको वर्क करने के लिए. सॉफ्टवेयर एक इंस्ट्रक्शन का सेट होता है जो कि एक कंप्यूटर में एक ही टाइम में स्पेसिफिक टास्क कर सकता है. एज लाइक इन एग्जांपल, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है ना, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, दीज आर द सॉफ्टवेयर. अब इसमें दो तरह के वाइडली काइंड सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर देखते हैं कौन कौन से होते हैं. टू टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर आर देयर. फर्स्ट वन इज सिस्टम सॉफ्टवेयर, सेकेंड वन इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. नाउ लेट अस सी फर्स्ट सिस्टम सॉफ्टवेयर. हमें पता है कि एज वी नीड अ ड्राइवर टू ड्राइव अ कार, जैसे हमें पता है कि कार ड्राइवर को कार चलाना है, लेकिन वी नीड अ सिस्टम सॉफ्टवेयर टू ऑपरेट अ कंप्यूटर. और हमें इस टाइम सिस्टम सॉफ्टवेयर चाहिए कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए. नाउ डेज मोबाइल फोन्स ऑल्सो यूज सिस्टम सॉफ्टवेयर. आज के टाइम में मोबाइल भी सिस्टम सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं. इट इज द मेन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम विच with whose help a computer runs and perform all essential tasks. It basically allows that hardware parts of computer to work together. A computer cannot operate as a single unit without a system software. Operating system is the most essential system software. Windows 7 and Windows 8 are two popular operating system. जैसे हमें पता है कि driver को अगर drive car को drive करनी है, कार को चलाना है, तो ड्राइवर की नीड है. एज इट इज अगर हमें कंप्यूटर को चलाना है, हमें सिस्टम सॉफ्टवेयर की भी नीड है. विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर वी कैन नॉट रन एनी कंप्यूटर. एज लाइक एन एग्जांपल, विंडोज 7 एंड विंडोज 8. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं कि किसी भी एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करना, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, मान के चलिए हमें पेंट करना है, तो हम पेंट गेम्स में तो नहीं करेंगे, वर्ड प्रोसेसिंग में नहीं करेंगे, WPS सॉफ्टवेयर में नहीं करेंगे. ठीक है, तो हम पेंट कौन से सॉफ्टवेयर में करेंगे? MS पेंट, पेंट जिसे हम बोलते हैं, पेंटिंग में करेंगे. एज इट इज वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में हम अपने सॉफ्टवेयर को में टाइप कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं, टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं, और हम अलग अलग पोएम्स को, स्टोरीज को ब्यूटीफुल तरीके से उस सॉफ्टवेयर के थ्रू हम डेकोरेट कर सकते हैं. दिस इज द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सॉफ्टवेयर. ओके, दिस इज द स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर. स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल. माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या वर्क करता है? इट इज यूज टू एंटर डाटा इन टेबल्स. जो टेबल्स बनी है, टेबल्स में डाटा को एंटर करता है, और एक टेबल में रोज और कॉलम्स होते हैं. ठीक है,
एक्सेल पॉपुलर स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, ये एमएस एक्सेल एक स्प्रेडशीट पॉपुलर स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है. दीज आर नोन एज स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर. नेक्स्ट वन इज नो मोर में देखिए, वी कैन ऑल्सो डू कैलकुलेशंस इन एमएस एक्सेल, और हम एमएस एक्सेल में कैलकुलेशंस कर सकते हैं, वेदर इट इज एड हुआ, डिवाइड हुआ, मल्टीप्लाई हुआ, एक्सपोनेंट हुआ, अलग अलग तरह के. जब आप क्लास फोर्थ फिफ्थ में आएंगे तो आप लोगों को ये भी पता लगेगा. डाटाबेस सॉफ्टवेयर कौन सा होता है? ये कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो कि स्टोर करता है, मैनेज करता है डाटा के इंफॉर्मेशन को. कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे एमएस एक्सेल और ओरेकल. दीज आर द एमएस एक्सेल रिगार्डिंग योर पर्सनल डाटा. ओके, जैसे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी, जॉब टाइटल एज लाइक. ओके, दिस इज रिगार्डिंग योर पर्सनल डाटा. मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर, मल्टीमीडिया में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, म्यूजिक को प्ले करना, वीडियोस को प्ले करना, वीडियो गेम्स खेलना, टेक्स्ट को डालना, ग्राफिक्स डालना, जैसे GIF आजकल व्हाट्सएप पे बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, बाय का, टेक केयर का, एंड ऑल अलग अलग चीज़ों से रिगार्डिंग. एनिमेशंस यूज़ करना, आप लोग कार्टून्स देखते हैं, शिनचैन, डोरेमोन, एंड ऑल अलग अलग कार्टून्स आप लोग देखते हैं, दैट विल बी ग्राफिक्स एंड एनिमेशंस. उसके जो एग्जांपल्स हैं, रियल प्लेयर, विंडोज मीडिया प्लेयर आर द एग्जांपल्स ऑफ मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर. नाउ चैप्टर नंबर 2 हैज बीन कंप्लीटेड. थैंक यू.